नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियोस में आज भी मैं कुछ स्टॉक्स की बात करूंगा जो अपनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस या तो स्ट्रांग सपोर्ट को हिट कर रहा है और जिसका पोटेंशियल कल ऊपर जाने या फिर से कंटिन्यूएशन करने की हो सकती है। तो कुछ स्टॉक्स इसी बारे में ही बात होगी, तो बने रहिए मेरे वीडियोस में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो देखिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं बहुत अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस टान के रखता हूँ, तो वही मैं बताऊंगा। मैं बाय सेल की बात नहीं करूंगा, वो आप जो स्ट्रेटेजी आप यूज करते हो वो आप यूज कर सकते हो, मगर इसको आप डेफिनेटली वॉचलिस्ट में रखिए। जैसे आज जो स्टॉक्स कल मैंने बताया था उसमें से आप देख सकते हो कि ग्रासिम काम किए हैं और नेगेटिव में जिंदल स्टील से नीचे गए हैं, और उसके साथ साथ और भी स्टॉक्स थे जैसे हैवल्स भी, हैवल्स उतना कुछ किया नहीं है। महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस सुबह से ही लेके आप देख सकते हो कि स्टॉक्स पूरा नीचे आया था। मैंने कहा था कि 441 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तो 441 के ऊपर 450 या 448 इसके टारगेट्स हो सकते हैं, मगर 440 कोई ओपन हाई बना के वो नीचे आना शुरू कर दिए थे। तो महेंद्र महेंद्र मेरा अगर वीडियोस, वो वीडियोस आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली कार्ड्स में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आज के जो स्टॉक्स मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ वो है L&T फाइनेंस। आप देख सकते हो कि स्टॉक फिर से एक सपोर्ट में आए हैं, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देख सकते हो मैंने कैसे यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। अगर स्टॉक यहाँ से बाउंस मिलता है या 135.50 के आसपास अगर बाउंस मिल सकते हैं, जब तक ये 135 के नीचे ट्रेड नहीं करते हैं, इसमें बियरिश फॉर्म नहीं तैयार होंगे फिर से, तो कंटिन्यूएशन फॉर्म नहीं तैयार होगा, तो 135 और 137 यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं तो 142 से 144 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर नीचे कंटिन्यूएशन करने लगते हैं तो 130 और 127.50 इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, तो इसको आप अपने कल के लिए वॉच लिस्ट में रख सकते हो L&T फाइनेंस। नेक्स्ट स्टॉक्स जो बात करूंगा वो टाटा स्टील है। आप देख सकते हो टाटा स्टील में भी एक अच्छी खासी यहाँ पे सपोर्ट है, वही पे आने की कोशिश कर रहा है जो 507 या 506 के आसपास है। तो 505 के नीचे या 504 के नीचे अगर फिर से कंटिन्यूएशन चलते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट 492 से 487 होगा, उसके पहले कुछ नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। और अगर ये ऊपर यहाँ से बाउंस करते हैं तो 530 तक इसकी जाने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आप जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो 510.50 है, तो लगभग लगभग 530 या तो 530 के आसपास ये स्टॉक्स जा सकते हैं, तो इसको भी आप कल के लिए वॉच लिस्ट में भर के रख सकते हो टाटा स्टील्स। नेक्स्ट स्टॉक्स ओरियन बैंक। दो दिन पहले भी इस ओरियन बैंक को मैंने कहा था कि 102 या 102.50 तक इसका पोटेंशियल है, तो आप देख सकते हो फिर से वो उसी सपोर्ट के आसपास आ रहे हैं। तो अगर ये नीचे कंटिन्यूएशन हो सकता है, क्योंकि अभी भी वीकनेस दिखाई दे रहा है, तो नीचे अगर आने लगता है तो 95 तक ये स्टॉक्स नीचे आ सकता है। इसका नीचे का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है 95 के आसपास या 94.50 के आसपास, और ऊपर अगर चलने लगते हैं तो पहला स्टॉक, पहला तो रेजिस्टेंस फिर से 102.50 ही होगा। उसके ऊपर अगर चलते हैं तब उसके लिए रास्ता खुलने की चांसेस है, जहां पे 108 का उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो ओरियन बैंक को भी फिर से कल देखने की कोशिश करना, अपने वॉच लिस्ट में रख देना। नेक्स्ट स्टॉक्स ऑटो से है मादासन सुमी। जो स्टॉक्स हैं वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आके, आप देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट है, उसके आसपास आके रुके हैं। अगर यहाँ से बाउंस मिलता है तो 153.50 से 157 इसका नेक्स्ट दो रेजिस्टेंस है। अगर एक कंटिन्यूएशन करते हैं 146 के या 145 के नीचे तो 142.50 और 139.50 या 140 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक्स जो बात करूंगा वो टाटा केमिकल्स हैं। आप इस वीडियोस को दोबारा एक बार देख के उसका स्क्रीनशॉट आप रख देना, तो इससे आपको पसंद आएगा। आप देख सकते हो टाटा केमिकल्स भी एक सपोर्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास अगर रुके हैं, तो यहाँ से अगर बाउंस मिलता है तो 585 से 587 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है।
उसके बाद 595 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से अगर बाउंस मिलता है आप चांस देखिए, मैं ऑलरेडी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी दे चुका हूँ और कल आपको इसमें से कुछ ना कुछ स्टॉक्स हाइस्ट गेनर्स में या हाइस्ट लूजर्स में जरूर मिलेंगे, तो इसको जरूर रखिएगा। अगर ये स्टॉक्स नीचे 100 के नीचे अगर चलना चालू कर दे तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस 555 है, इसके बीच कुछ उसका सपोर्ट नहीं है, 555 इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। नेक्स्ट स्टॉक्स कल भी बात किया था, आज भी बात करूंगा, नेशनल एल्यूमिनियम जो आज उतना रिएक्ट नहीं किए हैं, एक कल रिएक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि नेशनल एल्यूमिनियम उसके आसपास है, इसके सपोर्ट के आसपास है, तो ये अगर 52 के आसपास आते हैं तो उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा, नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा वो लगभग 49 के आसपास होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो लगभग 47.50 के पास होगा। अगर ये नीचे 52 के नीचे कंटिन्यू होने लगे तो इसमें ध्यान रखना, और थोड़ी सी यहाँ पे एक विंडो है, तो जब तक 51 के नीचे कंटिन्यू ना होने लगे तब तक आप कुछ मत करना। 51 के आसपास अगर फिर 52 के ऊपर जाने लगे तो इसमें एक फिर से मूवमेंट आ सकते हैं ऊपर, और ऊपर अगर जाते हैं तो ये स्टॉक्स पहला जो टारगेट्स हिट करने वाला है, मतलब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 55 होगा इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और उसके बाद लास्ट जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो 56.50 या 57 होगा, वो बात की बात है, पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो 55 होगा। ओके, और जो लास्ट स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ वो थोड़ी सी रेंज बाउंड है, ICICI ब्रू, आप देख सकते हो थोड़ी सी हायर हाई में जाके, एक हायर जगह पे जाके वो एक रेजिस्टेंस की तैयार कर रहा है, एक ही दायरे में है, तो अगर ऊपर जाते हैं तो 580 पे फिर से हर्डल हो सकते हैं, अगर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो थोड़ी सी 557 से 355 तक, सॉरी 357 से 355 तक फिर से आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप ICICI ग्रुप को भी अपने लिस्ट में रखना। तो स्टॉक्स का नाम मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, L&T फाइनेंस, टाटा स्टील, ओरिएंट बैंक, मदरसन सुमी, टाटा केमिकल्स, नेशनल एल्यूमिनियम और ICICI ग्रुप, ये 8 स्टॉक्स की नाम मैंने बताया, 7 स्टॉक्स की नाम बताया जो आप कल के लिए वॉच लिस्ट में भर के रख सकते हो, और उसके साथ साथ पिछले दिन का भी जो भी मैं वीडियोस में स्टॉक्स बताया था उसको भी आप चाहो तो वॉच लिस्ट में फिर से भर सकते हो, क्योंकि उसमें और भी कंटिन्यूएशन आ सकते हैं, जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो उसमें और भी कंटिन्यूएशन हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर हेल्पफुल लगता है तो डेफिनेटली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।